हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सेवेंथ का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में काफी सारी चीजें हम डिटेल में सीख रहे हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको हल करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सारे कर लिए हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब तो बच्चों, ये क्वेश्चन है कुछ आपके सामने। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिए हैं, प्रतिरूप दिए हैं। तो यही बोला गया है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से चार और प्रमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पे ये प्रतिरूप पैटर्न आपको दिए हैं, इसको समझते हुए आगे की चार संख्याएं आपको लिखनी है। नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, ठीक है। पैटर्न वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए होंगे तो यहाँ मैं बता दूं आपको, बहुत पैटर्न पहचानना बहुत आसान है। देखिए, आपको देखना है सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ 3/5 है, ठीक है। इसको हम किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ठीक है। तो कितना आएगा, अगला आना चाहिए हमारे पास -6/10। कितना आना चाहिए, -6/10। तो हमें ये पता लगता है कि भाई 3/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/5 ही आएगा, जो कि ये आ गया है। अगर मैं 2 को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, -6/10 आएगा। अब देखिए, -6/10 जो है, इसको अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर, अगर -3/5 को मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूं तो इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा -9/15,
तो ये -9/15। अगर -3/5 को मैं कर देता हूँ 4/4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -12/20, -12/20। तो पैटर्न समझिए, सबसे पहले -3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/1 से, तो -3/5 आया। तो ये तो पहली टर्म है, ये दूसरी तीसरी चौथी चार टर्म जो है वो कुछ ऐसे आई है, मतलब 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। पांचवी टर्म कैसे आनी चाहिए? अब अगर पैटर्न आपका यही चलता है तो पांचवी टर्म के लिए हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 5/5 से। तो -3/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा -15/5, यहाँ पे 5 है, -3/5 को अगर मैं 6/6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -18/3, और -3/5 को अगर मैं 7/7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -21/35, ठीक है। और अगर मैं -3/5 को 8/8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -24/40। तो अगली संख्याएं ये होंगी, देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 तक किया वैसे ही आगे कंटिन्यू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो अगला नंबर है वो -15/25 है, फिर -18/30 है, फिर -21/35 है, एंड -24/40। ये अगले चार परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से पैटर्न पहचानना है, पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी ऐसे ही करेंगे हम, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों आप देखिए यहां पे आपको क्या करना है, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहले है -1/4 है, इसको अगर 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा -1/4। -1/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/8 हो जाएगा, जो कि दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर है। -1/4 को अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/12 हो जाएगा, जो कि तीसरा रैशनल नंबर है। इसी तरह से आगे वाले रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको -3/12 आ गया, फिर -1/4 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/16, फिर -5/20, -6/24, -7/28। तो ये अगले चार रैशनल नंबर्स हो गए। इस तरह से आपके सामने जो भी ये पार्ट्स हैं सारे आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए दो सिमिलर पार्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी के दो आप होमवर्क में करेंगे, ऐसे ही तो होने हैं, तो आपको भी रिवाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ आपको ये चीज आती है। तो नोट डाउन कर लीजिए और इसको होमवर्क में करके लाएंगे जरा। तो बच्चों अगला सवाल लिखेंगे अब,
तो ये कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समतुल्य चार परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो नीचे जो रैशनल नंबर्स दिए हैं उनके इक्विवेलेंट चार रैशनल नंबर और लिखने हैं, तो नोट डाउन कीजिए और रैशनल नंबर्स लिखिए इनके इक्विवेलेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, जैसे -2/7 है, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लिखते देखा है आपने, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लिखा होगा ना, क्या करते हैं अगर मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -4/14 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये 7/2 -2/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसी तरह से हम -2/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6/21 आ जाएगा। -2/7 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -8/28 आ जाएगा, ठीक है। हमें चार लिखने हैं, 3 हो गए, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा -2/7 × 5/5, ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 और 7 × 5 = 35 -10/35। तो आपको यहाँ से 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्या मिल गए, रैशनल नंबर्स मिल गए। तो फर्स्ट पार्ट में चार रैशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, ये हो जाएगा -4/14 -6/21 फिर -8/28 एंड -10/35। ये चारों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं -2/7 के, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आपने, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं करके। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, ठीक है, थर्ड पार्ट में 4/9 है, इसके हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं चार। कैसे लिखेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 8 = 9 × 18 एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया ये। इसी तरह से 4/9 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 = 9 × 27 ये हो गया। 4/9 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 × 9 = 36 और 4/9 को आप 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 20 9 × 5 = 45। अगर आपसे 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछे होते तो एक 6/6 से और मल्टीप्लाई कर देते इसको। तो इस तरह से जितने आपसे पूछे जाएं उतने निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं है आपके यही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आए, और भी आ सकते हैं। भाई कोई यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई करके देख ले, 8/8 से मल्टीप्लाई करके देख ले, तो वो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। तो इसमें देखिए आपके जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं 8/18 12/27 16/36 and 20/45 नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए जो एक बच गया है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे, अब अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नीचे आपको कुछ पेयर दिख रहे हैं रेशनल नंबर के, आपको ये बताना है कि भाई ये जो पेयर हैं ये इनमें से क्या है कि सेम सेम रेशनल नंबर को कौन कौन सी संख्याएं कौन कौन से रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ये पूछा गया बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ये आपको पता लगाना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए इसको, इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको पता लगाने का कि कौन कौन से रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको बस एक छोटी सी चीज ये करनी है कि जो भी नंबर है रैशनल नंबर -7/21 है, इनको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टिंग इंटू लोवेस्ट टर्म। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आपको पता लग जाएगा अगर ये भाई ये दो हैं लोवेस्ट टर्म में, ये दोनों सेम आ जाते हैं। ठीक है, सेम आ गए तो ये इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसल आउट करिए, 7 से ही होंगे, 7 एकम 7, 7 21 ही आ गया, -1/3। इसी तरह से 3/9 है तो ये 3 से कैंसल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। देखिए ये मुझे इक्वल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये -1/3 है जो कि बराबर नहीं है 1/3 के। देयरफॉर -7/21 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3/9। ठीक है, तो ये तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करता कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स नहीं है। इसी तरह से हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसको देख सकते हैं करके, और उसको करके देखेंगे सॉल्व, तो वो भी कुछ आपको पता लगेगा इससे। -16/20 है, लोवेस्ट टर्म में करिए इसको कन्वर्ट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 और ये 10, फिर से 2 से कीजिए तो -4/5, कितना आ गया, -4/5 लोवेस्ट टर्म में है। इसी तरह 20/-25 है, ये भी 10/5, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 5 से होंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ गया, 4/-5 या फिर -4/5, दैट इज इक्वल। तो इसको हम बोल सकते हैं -4/5 = -4/5, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर्स के बारे में पता लग सके, और कोई डाउट होता है तो साथ के साथ आप पूछते भी रहा करो। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।